तो दोस्तों, यूएस में इस वक्त बहुत बड़ा डेट क्राइसिस चल रहा है। यूएस की जो इकॉनमी है, वहाँ पर जो डेट्स हैं, जो नेशनल डेट्स हैं, जो गवर्नमेंट ने डेट लिया हुआ है, वो ऑल टाइम हाई पे पहुँच चुका है। 31 ट्रिलियन डॉलर के आसपास यहाँ पर यूएस ने डेट इस वक्त ऑलरेडी ले लिए हैं। अब इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड इकॉनमी पे क्या होगा और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, उस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो यूएस में अभी जो सबसे बड़ा क्राइसिस यहाँ पर चल रहा है, उसमें यूएस की जो डेट सीलिंग है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। और इनके जो ट्रेजरी का कहना है कि अगर 1 जून तक ये डेट सीलिंग को बढ़ाया नहीं गया, यूएस ने और डेट्स नहीं लिए, तो ये जो यूएस गवर्नमेंट है ये अपने बिल्स वगैरह पे करने में, सैलरीज पे करने में 1 जून को डिफॉल्ट कर देंगे। और अगर ऐसा डिफॉल्ट होता है तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आएगा, ना कि सिर्फ यूएस के लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। अब ये डेट सीलिंग क्या है जिसका वजह से इतना इम्पैक्ट आ रहा है, तो देखिए, यूएस में ऑलरेडी जो नेशनल डेट्स हैं ये 31.4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुके हैं। अब यूएस में एक रूल है जो ये वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे 1917 में लेकर आए थे, जिसमें यूएस ने एक लिमिट सेट की हुई है, उससे ज़्यादा वो डेट्स नहीं ले सकते, जो कि लिमिट 1 जून को पूरी हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है। और अगर ये डेट सीलिंग बढ़ाई नहीं गई तो और ज़्यादा डेट यूएस नहीं ले पाएगा, और डेट यूएस नहीं ले पाएगा तो वो अलग अलग जो अपने बिल्स हैं, टैक्सेस हैं, वो पे नहीं कर पाएगा। अब क्या ये क्राइसिस पहली बार हुआ है, तो ये समझना है आपको कि पिछले 60 सालों में 78 टाइम्स ये जो लिमिट है ये ऑलरेडी बढ़ाई जा चुकी है। अब यूएस में इतना सारा डेट कैसे आ गया, यूएस के तो एक बहुत डेवलप्ड कंट्री है, तो यहाँ पर भी इतना ज़्यादा डेट कैसे है। तो देखिए, यहाँ पर भी जैसे इंडिया में हम बात करते हैं, जो भी गवर्नमेंट रन होती है वो कुछ रेवेन्यूज जनरेट करती हैं और उसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस किए जाते हैं, जिसमें पब्लिक वेलफेयर और कंस्ट्रक्शन, अलग अलग चीज़ों को पे गवर्नमेंट स्पेंड करती है। अब यहाँ पर यूएस में भी यही फॉर्मूला होता है, लेकिन पिछले 20 सालों में लगातार जो इनका भी बजट है वो डेफिसिट में चलता है, यानी कि जितने रेवेन्यूज ये जनरेट करते हैं उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर यूएस में हो रहा है। और मेजर एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करेंगे, अगर हम 2022 में ही बात करें, टोटल 4.8 ट्रिलियन के इनके टोटल रेवेन्यूज थे, उसके अगेंस्ट 6.27 ट्रिलियन डॉलर्स के इन्होंने खर्चे किए थे, मेजरली सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल, जो चीज़ें हैं, जो वेलफेयर है उस पे खर्चा होता है। तो यूएस में भी जो इंडिया में अभी धीरे धीरे कल्चर आने लगा है फ्रीबीज बांटने का, वो बहुत पहले से यूएस में चल रहा है। और जो नई गवर्नमेंट आती है उसके लिए हमेशा से ये दिक्कत होती है कि जो पुरानी फ्रीबीज बांटी जा रही हैं, जैसे इंडिया में भी अभी रिसेंटली हमने देखा, कर्नाटका में बहुत ज़्यादा अलग अलग फ्रीबीज के वादा किया गया कि ये फ्री में देंगे, वो फ्री में देंगे। अब ये फ्री में देने की वजह से जो गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है वो यूएस में बहुत पहले से चला आ रहा है, और जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो पुराने जो फ्रीबीज दिए जा रहे हैं उसको हटाती नहीं है। इस वजह से यूएस में भी लगातार जो डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है, और पिछले 20 सालों में इनका भी बजट डेफिसिट में रहता है, और एज अ रिजल्ट इनको और नया नया पैसा यहाँ पर लेना पड़ता है। अब ये पैसा लेते कैसे हैं, मेजरली अपने बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स वगैरह ये बेचते हैं, जिसमें पब्लिक को ये अपना पैसा देते हैं। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो ले सकते हैं, जो सेफ्टी चाहते हैं बॉन्ड्स वगैरह की, और कुछ पैसा है जो गवर्नमेंट का ही, खुद का ही जो होता है वो वहाँ पर होता है। तो मेजरली आप देखेंगे तो ये अपनी ही पब्लिक से पैसा लेते हैं, लेकिन सिंस यूएस की जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यूएस की करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इनको लोन देने को तैयार रहते हैं। तो ऐसे यूएस अपना लगातार यूएस में डेट सीलिंग अपनी बढ़ाता जाता है। तो ये जो डेट सीलिंग है ये बहुत ज्यादा यहां पर इस वक्त जो इनका डिस्कशन चल रहा है कि क्यों इनकी डेट सीलिंग इस वक्त इंक्रीज नहीं हो रही है, तो देखिए, प्रेसिडेंट और कांग्रेस ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि डेट सीलिंग को कितना बढ़ाया जाए, और हर डेट सीलिंग के साथ एक नया कुछ कंडीशंस आती हैं। तो इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रही है यूएस में वो ये आ रही है कि जो दूसरी पार्टी है वो ये बोल रही है कि जितने भी फ्रीबीज आप बांट रहे हो उसको कम करने की ज़रूरत है, जो मेडिकल पे खर्चा हो रहा है, जो सोशल सिक्योरिटी पे खर्चा हो रहा है, इन चीज़ों पे जो खर्चा हो रहा है इनको कम करने की ज़रूरत है। लेकिन जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो बाइडेन गवर्नमेंट है, वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि इसका इम्पैक्ट उनके वोट बैंक पे हो सकता है। तो प्योरली जो अभी डेट सीलिंग की प्रॉब्लम
प्रॉब्लम चल रही है जो इंक्रीज नहीं हो रही है वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इंक्रीज नहीं हो रही है। और लेकिन आपको यहां पर एक चीज समझनी है कि यूएस में इस वक्त जो डेट है वो लगभग अपने ऑल टाइम हाई के साथ साथ बहुत ज्यादा लेवल्स पे पहुंच चुका है। डेट टू जीडीपी की रेशियो अगर इनकी बात करें 120% के आसपास है, यानी कि जीडीपी से ज्यादा इन्होंने डेट इस वक्त लिया हुआ है, जो कि एक बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम आने वाले टाइम में हो सकता है। अब ऐसा क्यों है कि हम अक्सर सुनते हैं कि पाकिस्तान के साथ ऐसा हुआ, वो वहां पर पैसा मांगने गए, पैसा पे नहीं किया, किसी ने पैसा उनको नहीं दिया, और यूएस को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, जबकि यूएस में बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटेडली हाई यूएस के डेट हो चुके हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि यूएस की जो करेंसी है वो इस वक्त रिजर्व करेंसी वर्ल्ड की बनी हुई है। मोर देन 60% जो ट्रेड्स इस वक्त होते हैं वो यूएस करेंसीज में होते हैं, और अलग अलग कंट्रीज ने बहुत बार ये कोशिश की है कि ये जो यूएस करेंसी की डोमिनेंस है उसको तोड़ा जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता, और इस वजह से यूएस को पास कभी भी डेट इशू करने में, रेज करने में कभी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अभी हमने रिसेंटली देखा था कि इंडिया, रशिया और चाइना ने मिलकर कोशिश की थी कि जो आपस में ट्रेड्स होंगे इसकी हम कॉमन रुपी में कोशिश करेंगे ट्रेड करने की, लेकिन रिसेंटली रशिया ने बोला कि उनके पास जो इंडियन रुपीस रखे हैं उसको कोई खरीदने वाला ही नहीं है। तो यही हमेशा से प्रॉब्लम आ रही है, जब भी कोई कंट्री कोशिश करती है कि हम यूएस की करेंसी के जो एक रिजर्व करेंसी का जो स्टेटस है उसको तोड़े, वो प्रैक्टिकली अब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कंट्रीज के लिए, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी। जो अभी हमने रिसेंट में इंडिया रशिया के बीच में जो ट्रेड हो रहे थे उसमें ये चीज़ यहाँ पर फील की थी, और यही वजह से यूएस अनप्रेसिडेंटेडली हाई लेवल ऑफ डेट्स पे बैठा है। वो जब चाहे अपना डेट इशू कर लेते हैं, रेज कर लेते हैं, और ये आने वाले टाइम में जब भी यूएस की जो रिजर्व करेंसी है उसको वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज तोड़ पाएंगी, एक बहुत बड़ा रिसेशन वर्ल्ड में आएगा, क्योंकि यूएस का जो डेट है वो बढ़ता जा रहा है, और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो इनके हर बजट में इनके जो डेफिसिट बढ़ रहे हैं, और कोई भी जो नई गवर्नमेंट आ रही है वो डेफिसिट कम नहीं कर रही है। हमने 2020 में देखा था, 2020 की भी अगर आप बात करेंगे, इन्होंने बहुत ज़्यादा डेट्स ले लिए, फ्री में उन्होंने 3,000 डॉलर तक हर अनएम्प्लॉयड इंसान को दिए थे उस वक्त भी। वो उन्होंने पैसा कहां से दिया था, उधार लेके दिया था, और वो चीज़ें अब यूएस के लिए एक प्रॉब्लम बनती जा रही है, क्योंकि जब भी कोई पुरानी गवर्नमेंट होती है वो ये बोलती है कि हमें खर्चे कम करने की ज़रूरत है और पैसा जोड़ने की जरूरत है, लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है वो कभी भी इस चीज को फॉलो यूएस में नहीं कर रही है। तो यूएस में भी वही प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो इंडिया में देखने को मिलती है कि फ्रीबीज वगैरह बांट के काफी ज्यादा यूएस में वोट बैंकिंग का अपना जनरेट करने की कोशिश हो रही है। अब यहां पे देखिए, इंडिया में जो सबसे अच्छी बात 2020 में हुई थी कि इंडिया में फ्रीबीज नहीं बांटे गए थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी उस वक्त में, लेकिन इससे इकॉनमी बची रही थी, और यूएस की इकॉनमी पिछले 3 साल से इसीलिए कोलैप्स हो रही है, लगातार इन्फ्लेशन बढ़ा है, रिसेशन के खतरे आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ही ये है कि ये लोग बहुत ज्यादा पैसा जनरेट कर रहे हैं, जब इनका मन करता है ये लोन दे देते हैं, क्योंकि यूएस की रिजर्व करेंसी है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी तैयार बैठे हैं लेने को पैसा, इनकी अपनी पब्लिक पैसा लेने को तैयार बैठी है, क्योंकि सेफ्टी वहां पर उनको उस पैसे से मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न आने वाले टाइम में बनने वाला है, जब यूएस में जैसे ही इनका जो रिजर्व करेंसी का जो स्टेटस है वो कम होगा, एक बहुत बड़ा कोलैप्स यहां पर वर्ल्ड इकोनॉमी में सिर्फ यूएस की वजह से यहां पर होने वाला है। लेकिन ये होना बहुत ज़्यादा मुश्किल अभी लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज लगातार ट्राई कर रही है कि ये यूएस की जो डोमिनेंस है उसको तोड़ पाए। अब जब तक नहीं तोड़ पाएंगे तब तक यूएस ऐसे ही राज करने वाला है कि जितना डेट होने चाहिए वो उतना डेट रेज कर पाएंगे, जितना खर्चा उनको फ्री में अपने पब्लिक के लिए करना है वो उतना खर्चा अपनी पब्लिक पे कर पा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल धीरे धीरे ये जो खतरे की घंटी है यूएस के डेट की वो बढ़ती जा रही है, और एक ये वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चेतावनी की तरह हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको यूएस में जो अभी डेट सीलिंग क्राइसिस चल रहा है उसके समझने में हेल्प मिलेगी। वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अभी तक अपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो भी ज़रूर करें। धन्यवाद।